बहुत ही सही जगह जाने वाला मैं लेके। तो यार वीडियो पूरी एंड तक, आज बाहर जाने वाला हूँ, बहुत खुशी में, क्योंकि ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है और इतने देर बाद भाई ट्रैवल करने वाला हूँ, जाने वाला है, निकलने वाले बस। और अभी जो हमारे साथ बड़ा गंदा वाला सीन हो गया, क्योंकि सो गाइस वेलकम बैक अदर न्यू व्लॉग। भाई मैं क्या कहूँ, मतलब मैं अभी क्या कहूँ, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा जो बोले नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कूड की जो धज्जियाँ उठ चुकी हैं वो इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए मैं गया था वहाँ पे वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि एक्चुअली मैं लिटरली बताऊँ, मैं सच में बहुत खुश था आज, क्योंकि आज सुबह सुबह जब उठा, मैं 5 बजे उठा, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने जा रहा था बाहर, कहीं बाहर ब्लॉग बनाने जा रहा था बहुत अच्छी जगह पे। हुआ ये कि मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मैं सही बताऊँ तो भाई, जब बंदा इतनी दूर ट्रैवल करके जाता है, बहुत दूर वो जगह थी, इतनी दूर बंदा जब ट्रैवल करके जाता है, जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती तो भाई बहुत ही गुस्सा आता है, वो आप मानो मत मानो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। अब गुस्से की बात अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअली मैं क्या था, झज्जरगोली, ठीक है, अब झज्जरगोली हम चले तो गए, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल, इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, मतलब हमारे यहाँ से बहुत दूर है, ये बात हुई। आगे जाके जब हमने पहुँचे वहाँ पे, ठीक है, पहुँच के हमें क्या पता चलता कि भाई आगे वो रास्ता, मतलब झज्जरगोली जो जहाँ पे जो पार्क है, जहाँ पे नहाने वाली जगह, जहाँ पे नहाते लोग, वो बंद है, क्लोज है। सो झज्जरगोली जो है बंद है, ठीक है, बंद था वहाँ पे। अब मैं क्या बताऊँ, मैं उस टाइम पे मेरा जो मूड था बिल्कुल ख़राब था, और मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, सीधा मोड़ा और सीधा वापस घर आ गया मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा उस टाइम मूड ऑफ था। मुझे पता यार मैंने कितना ट्रैवल किया भाई, मैं बता नहीं सकता कि हमें जो एक बोलते ना जो फीलिंग्स होते, वो सुबह सुबह इतना खुश था कि भाई हाँ भाई आज तो जाएंगे पक्का, आज तो व्लॉग मस्त वाला बनेगा, व्लॉग जो है फाड़ फाड़ मतलब आग लगा दी व्लॉग में, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंट था मैं, हाँ भाई आज तो मतलब तगड़ा वाला व्लॉग बनेगा, ठीक है। होता क्या है, मैं जाता हूँ, ठीक है, हम जाते हैं, मैं पूछता हूँ सर क्या ये खुला हुआ है, तो बोलते हैं भाई ये बंद है। मैं मतलब क्यों सर क्यों बंद है ये, तो वो बोलते हैं किसी लड़के ने कल जब मतलब कि जिस दिन मैं ये ब्लॉग शूट करने गया था उस दिन, उसके पहले एक दिन एक लड़के ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था डूब के, ठीक है, तो उनकी वजह से वो पार्क बंद है, रिवर मतलब जहाँ पे नहाते हैं वो भी बंद है, और इसलिए हमें भी नहीं जाने दिया और किसी को नहीं जाने, लिटरली वहाँ पे कम 20 से 25 लोग थे जो खड़े थे वहाँ पे, ठीक है, तो जाने के लिए अंदर। तो लेकिन यार मुझे इतना मूड खराब है ना, मैंने क्या किया, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, पीछे मोड़ा वापस घर आ गया। एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, रक्षण शर्मा से मैंने पूछा था कि भाई आप कहाँ पे हो, आप घर पे हो या फिर बाहर तो नहीं गई, बोलता हाँ घर पे हो। मैंने बोला हाँ भाई मैं उधमपुर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट करना है, तो मैंने कुछ भी करके ब्लॉग शूट करना है, क्योंकि आज मैं आया हूँ तो ब्लॉग शूट करके ही जाऊँगा। लेकिन उसने बोला यार उसको भी थोड़ा काम था, वो रामबन जा रहा था, एक्चुअली यार उसको भी थोड़ा काम था तो इसलिए वो चले गया। अब हुआ ये कि मैंने वो मोड़ा, मैंने उसको पूछा कि भाई झज्जरगोली के पास कोई कोई जगह है, उसने बताई तो थी लेकिन उसको वो खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रास्ता बताऊँ, और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भाई आगे मेरा मूड ऑफ था, मैंने क्या किया मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, घर पर सीधे वापस आ गया, और उस चीज़ के मतलब जो बंद था मैं उसके भी शॉट्स नहीं ले पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूड खराब था, मेरा दिमाग फट रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इतनी दूर अगर ट्रैवल बंदा करके जाए उसके बाद उसको वो चीज़ नहीं मिले, मतलब उस वो जिस पे जिस काम के लिए वो आया वो काम नहीं हो, तो भाई बहुत बंदे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। और मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि ये वाला ब्लॉग जो है नहीं बन पाएगा। आई होप कि जो अगला संडे आएगा उस संडे में उसके साथ हम ब्लॉग शूट करेंगे, ठीक है, कोई भी एक जगह पर रुद्रपुर जो अच्छी जगह उस तरह जाएंगे, ब्लॉग शूट करेंगे, तबाही मचाएंगे। आई एम रियली सॉरी इस ब्लॉग के लिए कि ये ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाएगा, आई एम रियली रियली सॉरी। और मैंने सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैं खुश था, मैं एक क्लिप देख लो सुबह सुबह मैंने क्या बोला था, मैंने सुबह सुबह वीडियो शूट किया था अपना जो इंट्रो था वो शूट किया था, वो देख लो एक बार क्लिप। दिन और एक नई शुरुआत, क्योंकि नई शुरुआत इसलिए होने वाली क्योंकि मैं आ जाने वाला बाहर, क्योंकि इतने लॉकडाउन से मैं घर पर रह रहा हूँ और मेरी आत्मा जो है मर चुकी है। आज बाहर जाने वाला हूँ, बहुत खुशी में, क्योंकि ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है और इतने देर बाद भाई ट्रैवल करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करा करो भाई, भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है यार भाई, दुख होता है दिल से दुख होता है, मैं सही बताऊँ तो वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। आई होप क्या समझ रहे होंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मैं ब्लॉग्स पर ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भाई बाहर ट्रैवल करो। अब उनकी बात मतलब बाहर मान के मैं चले तो गया, इतने दूर गया, लेकिन वहाँ जाके वो चीज़ नहीं मिली, और मुझे बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा आ गया, मतलब
नहीं मिली यार, मतलब क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, हो गया बस यार, मैं तो और कुछ नहीं बोल सकता मैं। बंदा इरिटेट होता है, बंदा इरिटेट, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। आप तो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, जजगुली हमारे यहाँ से कोई पास नहीं है, बहुत दूर है यार। मैंने सोचा कि इतने देर बाद मैं ट्रैवल करके जा रहा हूँ, ठीक है, कोई वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन किस्मत बड़ी कुत्ती किस्मत होती है भाई, ये जब ये पलट दिए ना, मतलब उल्ट अलट पलट कर दिए, सब कुछ अलट पलट कर देती है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको, और बस यार, बस अब नहीं हो सकता। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगला व्लॉग मैं बोल रहा हूँ सच में बहुत मस्त व्लॉग होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ बहुत मस्त व्लॉग बनाएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।